इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ टू कैलकुलेट इवेपो ट्रांसपेरेशन और कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर यूजिंग एम्पेरिकल इक्वेशन ठीक है तो सबसे पहली जो इम्पेरिकल इक्वेशन है दैट इज़ ब्लेनी क्रिडल इक्वेशन ठीक है तो दो साइंटिस्ट थे ब्लेनी एंड क्रीडल 1950 में उन्होंने 1950 में डेवलप किया एक सिंप्लीफाइड फॉमुला इन विच कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर इज को रिलेटेड विद टेम्परेचर एंड डे टाइम आवर्स हम नॉर्मली जानते हैं कि जो ट्रांसपेरेशन होता है वो डे लाइट फिनोमिना है ठीक है तो इसीलिए इन्होंने क्या किया डे टाइम आवर्स और टेम्परेचर

के इज द क्रॉप फैक्टर टी इज मंथली मीन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस यानी कि एक महीने में जो मीन टेम्परेचर होगा T, कहने का मतलब है कि साल भर में टाइम आवर है एक हजार घंटे डे टाइम आवर है एक हजार घंटे तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर मंथ जुलाई का देखना है और जुलाई का जो डे टाइम आवर्स था वो था दो सौ घंटे तो दो सौ घंटे हजार हजार आवर्स का 200 कितना परसेंटेज होगा दैट विल बी पी यानी कि किसी पर्टिकुलर मंथ का जो डे टाइम आवर्स होगा एनुअल डे टाइम आवर्स का कितना परसेंटेज है दैट इज पी क्लियर है तो ये अलग-अलग फैक्टर्स हैं हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सी यू इज इक्वल टू के टाइम एफ एफ क्या है एफ इज अ फैक्टर व्हिच इज इक्वल्स टू पी बाय 40 1.80 32 क्लियर है पी मैंने बता दिया है कि उसको बो रहे हैं ठीक है थेके? और दिसंबर में उसको क्वार रहे ठीक है थेके? तो जून से दिसंबर तक हर महीने का अलग अलग हमने सीयू निकाला और सबका समीक्षण कर दिया तो या तो हम ऐसे कर ले ही क्रॉप है सब एक उस एक ही क्रॉप है तो उसका के कांस्टेंट होगा ठीक है लेकिन एफ अलग अलग होगा क्योंकि एफ क्या है पी पी पे डिपेंड कर रहा है और टी पे डिपेंड कर रहा है हर महीने के लिए अलग अलग डे टाइम आवर्स परसेंटेज भी होगा और मंथली मीन टेम्परेचर भी होगा तो ये फैक्टर निकाल के समेशन कर दें और के से मल्टीप्लाई कर दें तो सी आ जाएगा पूरे एंटायर सीजन के लिए ये पूरे एंटायर सीजन के लिए है। लेकिन हमको नोट ये याद रखना है कि द फॉर्मुला डजेंट टेक इंटू कंसिडरेशन द फैक्टर सच एज ह्यूमिडिटी विंड डिपेंड यानी कि एजिटी ट्रांसपिरेशन ह्यूमिडिटी विंड पे भी डिपेंड करता है और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है लेकिन ये फॉर्मुला इन सब फैक्टर्स को अकाउंट नहीं कर रहा है तो ये आपका हो गया ब्लेने क्रीडल फॉर्मुला क्लियर है नेक्स्ट है इंपेरिकल इक्वेशन हारग्रीव क्लास ए पैन एवेपोर पैन इवेपोरेशन मैथड तो इससे हम कैसे निकालते हैं कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर एवैपो ट्रांसपरेशन तो सी यू इज इक्वल टू के इन टू ई पी ठीक है के क्या है कंजप्टिव यूज़ कोफिशियंट कंज्टिव यूज कोफिशियंट हम निकाल कैसे सकते हैं ठीक है थेके? अभी मैं बताता हूँ कैसे निकाल सकते हैं ठीक है के इज कंज्टिव यूज कोफिशियंट सी यू इज एवैपो ट्रांसपिरेशन और कंजप्टिव यूज सी यू इज एवैपो ट्रांसपरेशन और कंजप्टिव यूज़ ई पी इज पैन एवेपोरेशन हमने जो एवेपोरेशन पैन एवेपोरेशन पढ़ा था वो है आपका ईपी तो यानी कि अगर हमें पैन एवेपोरेशन पता है यानी कि किसी ग्राउंड के पास हमने पैर लगाया उससे कितना एवेपोरेशन हो रहा है वो पता है और अगर हमें कंजप्टिव यूज कोफिशियंट पता है तो हम सी यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्लियर है अब के क्या होता है कंजप्टिव यूज कोफिशियंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप ये हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा और साथ ही साथ सेम क्रॉप की डिफरेंट प्लेसेस पे भी इसकी वैल्यू क्या होती है अलग होती है तो ये ध्यान रखिएगा यानी कि अगर हम क्रॉप यानी कि अगर हम राइस की बात कर रहे हैं तो किसी भी क्रॉप की बात करें अगर राइस को हमने इलाहाबाद में कई जगहों पे प्लांट किया हुआ है ठीक है क्लियर है तो हर जगह का जो के होगा वो डिफरेंट होगा क्लियर है तो ये हो गया कंजप्टिव यूज कोफिशियंट ऐसे हम मेजर करते हैं कंजप्टिव यूज यूजिंग हार हारग्रीव क्लास ए पैन इवेपोरेशन मैथड ठीक है नेक्स्ट इज पेनमेंस इक्वेशन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि पेनमेंस इक्वेशन किस पे बेस्ड है तो पेनमेंस इक्वेशन इज बेस्ड बाई कॉम्बिनेशन बेस्ड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर अप्रोच यानी कि एनर्जी बैलेंस और मास ट्रांसफर ट्रांसफर अप्रोच को कंबाइन किया गया तो है तो पेनमेन इक्वेशन उस पर बेस है पेनमैन इक्वेशन से हमें पोटेंशियल एवेपो ट्रांसफोरेशन पता चलता है तो पीई टी इज इक्वल्स टू ए एच एन प्लस ई ए गा डिवाइडेड बाई ए प्लस गामा ठीक है अब अलग अलग टर्म क्या है पीई टी क्या है डेली पोटेंशियल एवेपो ट्रांसफोरेशन इन एम एम पर डे यानी कि डेली कितना हो रहा है ठीक है एवेपो ट्रांसफोरेशन दैट इज पीई टी क्या है स्लोप ऑफ सेचुरेशन वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व एट मीन एयर टेम्परेचर कहने का मतलब है सपोज हम किसी एक महीने की बात कर रहे हैं हम एक महीने की बात कर रहे हैं हर महीने एयर का हर दिन एयर का टेम्परेचर अलग होगा तो मंथली मीन टेम्परेचर कुछ अलग होगा ठीक है या तो हम कह सकते हैं एक दिन की अगर हम बात करें तो पूरे दिन भर में भी एयर का टेम्परेचर अलग अलग होता है तो हम मीन एयर टेम्परेचर पे अगर सेचुरेशन वेपर प्रेशर का और टेम्परेचर का जो कर्व होगा सेचुरेशन वेपर प्रेशर और टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं ठीक है ठीके? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो सेचुरेशन वेपर प्रेशर क्या होता जाता है बढ़ता जाता है ठीक है तो यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सेचुरेशन वेपर प्रेशर होगा तो अगर उसका जो कर्व होगा तो जो उसके स्लोप होगा दैट इज ए उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा ए होगा एच क्या है एच इज नेट इनकमिंग सोलर रेडिएशन और एनर्जी इन एम एम ऑफ ए वाटर पर डे यानी कि जितनी सोलर रेडिएशन मिल रही है ठीक है जितनी सोलर रेडिएशन मिल रही है इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैट इज रेडियश एन क्या है पैरामीटर इंक्लूडिंग विंड वेलोसिटी एंड डेफिसिट डेफिसिट क्या होता है वेपर प्रेशर माइनस एक्चुअल वेपर प्रेशर यानी कि ये क्या है जो विंड वेलोसिटी को इनकॉर्पोरेट करे और सेचुरेशन डेफिसिट को इनकॉर्पोरेट करे गामा क्या है साइक्रोमेट्रिक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है पॉइंट फोर नाइन एम एम ऑफ मरकरी स्पेलिंग एम एम ऑफ मरकरी पर डिग्री सेल्सियस क्लियर है तो इस पी ई टी कैसे निकालेंगे यूजिंग पेनमेंस इक्वेशन ए एच एन प्लस ई ए गामा डिवाइडेड बाई ए प्लस गामा ये बस याद रखिए फॉर्मुला याद रखिए किस पे बेस्ड है एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर अप्रोच तो ये आपका ट्रांसपेरेशन और एवेपो ट्रांसपरेशन के लेक्चर्स कंप्लीट